हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम दोस्तों कॉल आती रहती है और आना जाना लगा रहता है। आज हमारे पास में फिर से एक जगह से कॉल पहुंची है और जिन्होंने हमें कॉल की थी वो भैया हमारे साथ में हैं, तो वो अभी जो है अपना एड्रेस बताएंगे हम कहाँ पे इस समय आए हुए हैं। हेलो सर, मेरा नाम अफजाल अहमद है और मैंने अपने बिटोड़े में उपले रखे हुए थे, तो सर इसमें हमें एक सांप दिखा है, तो हमने भैया को कॉल किया है, उसको रेस्क्यू करने के लिए बुलाया है, तो अब भैया उस सांप को रेस्क्यू करेंगे। तो सर ये आप जगह और बता ये देंगे? जो हमारा क्षेत्र पड़ता है ये बुलंदपुर है, तो ग्राम पंचायत बुलंदपुर पड़ती है, सिवारा से 5 किलोमीटर दूरी पर है ये नूरपुर रोड पर। तो दोस्तों अभी हम जो है कोशिश करेंगे निकालने की सांप होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सांप बता रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटोड़ा बना हुआ है और यहीं पर वो सांप देखा गया है दोस्तों। तो कोशिश करेंगे निकालने की। तो जैसा कि भैया बता रहे थे इधर, तो दोस्तों सांप इसमें अंदर है, तो अभी हम कोशिश करेंगे उसको निकाल के बाहर लाएं और आपको जो है दिखाएं। काफ़ी यहाँ पर अंदर अंधेरा है दोस्तों। तो तो दोस्तों यहाँ पर सांप है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये एक बिटोड़ा है, इसमें काफ़ी सारे उपले रखे हुए हैं दोस्तों, और यहीं पर ये सांप है और काफ़ी बिग साइज का ये स्नैक है, और कभी भी ये जो है अटैक कर सकता है, तो बड़ी सावधानी इस सांप को पकड़ने में बरतनी होती है। तो अभी हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसको हम रेस्क्यू करेंगे और अभी आपको निकाल करके हम जो है ये सांप दिखाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जानकारी को शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ये स्नैक होता है। अभी जो है यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सांप को हम अभी रेस्क्यू करें और उसके बाद हम जो है निकाल करके आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों काफी तेजी साउंड करता है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम इसके स्नैक को जो है रेस्क्यू कर चुके हैं और आप देख सकते हैं काफी तेजी साउंड करता है दोस्तों। दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों के से इस सांप को जो है जाना जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक, हमारे एशिया का सबसे खतरनाक सांप माना जाता है, क्योंकि इसके वाइट होने पर जो है शरीर में जो है गैंगरिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद में जो है सही ट्रीटमेंट ना लेने पर इंसान की जो है मौत तक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इन सांपों को हैंडलिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा सावधानी हमको बरतनी होती है, क्योंकि यही एक ऐसा सांप है जो काफ़ी लॉन्ग जंप करके जो है वाइट कर लेता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे सांप के काटने पर कभी भी किसी झाड़ फूक तंत्र मंत्र ओझागुनी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, किसी से बना एंटीडोट ले तो आपकी जो है जान बच सकती है। अभी हम इसको पैक करेंगे और फिर से ले जाकर के सेफ स्थान पर रिलीज करेंगे। और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, कहीं पर भी आपको स्नैक दिखता है तो आप हमें कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर दिख गया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप हमारा नंबर देख सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इन सांपों की जो संख्या है हमारे जो है यूपी में ज़्यादातर बढ़ती जा रही है,
और ज़्यादातर ये खेतों में देखने के लिए मिलते हैं। अब इस समय जाड़ों का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस समय यही सांप ज़्यादा निकलेंगे। और इन सांपों के काटने से हर साल हमारे यहाँ पर जो है लगभग हमारे इंडिया में लगभग 12-13 हज़ार मौतें इसी सांप के काटने से होती हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो किसान भाइयों की होती है, क्योंकि ज़्यादातर ये खेतों में देखने के लिए मिलता है, गाँव बस्ती में तो बहुत कम ये घुसता है। तो फाइनली दोस्तों अब हम इसको जो है कैच कर चुके हैं, अब इसको हम पैक करेंगे और फिर से इसको ले जाकर के सेफ स्थान पर रिलीज़ करेंगे दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख करके कभी भी कॉपी ना करें, क्योंकि ये काम केवल एक एक्सपर्ट के लिए है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और यही एक ऐसा सांप है जिसके सबसे ज़्यादा लंबे दांत होते हैं। अभी हम थोड़ा सा दिखा भी देंगे आपको जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और देखिए कितना सारा इसने अपना जहर अभी निकाल दिया है। सुई की जो नोक होती है उससे भी पतली इसकी नोक होती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसने अभी जो है अपना जो पॉइजन है जो जहर है वो निकाल दिया है अभी। तो दोस्तों अभी हम इसको पैक करेंगे डब्बल दोस्तों, तो अभी हम इसको पैक करते हैं दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस जानकारी को शेयर करें और इस स्नैक के वाइट होने पर सीधा हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों खतरा इस समय होता है जब हम इसको पैक करते हैं तो कभी भी ये पलट के जो है वाइट कर सकता है। तो फाइनली अब हम इसको हम कैच कर चुके हैं दोस्तों और इसको ले जाकर इस सेफ स्थान पर हम रिलीज़ करेंगे। आइए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी के लिए ओम।